मालेरकोटला हस्पताल दे दो डॉक्टरां ते मरीज अपने निजी हस्पताल विच ले जा के ऑपरेशन करन करके मोटी रकम लैण दी जांच करन लई अज चंडीगढ़ तों जांच अधिकारी डॉक्टर बॉबी गुलाटी मालेरकोटला पहुंचे। इस मौके पीड़ित व्यक्ति गुरजंट सिंह ने डॉक्टर जोड़ी उपर उसकी बेटी दे जच्चा बच्चा ऑपरेशन नू सरकारी हस्पताल विच करन दी बजाए अपने निजी हस्पताल विच ऑपरेशन करके उस तों मोटी रकम वसूलन दा दोष लगाया। उसने मीडिया नूं दस्सिया है कि उस वलों जांच अधिकारी नूं निजी हस्पताल जाके देखण लई कहा गया पर उन्हां जाण तों इनकार कर दिता जिस कारण जांच अधिकारी भी डॉक्टर जोड़ी नूं बचाउण दी कोशिश कर रहा है। इस संबंधी डॉक्टर जोड़ी का कहना है कि यह सारा कुछ एक होर डॉक्टर के कहन ते किया गया जिसकी उन्हां वलों पहला ही शिकायत की हुई है। इस मौके जांच अधिकारी का कहना है कि वह पड़ताल करने लिए आए हैं ते पूरी पड़ताल होने तो बाद ही कुछ दस सकते हैं। आजाद टीवी न्यूज़ के लिए मालेरकोटला तो मुहम्मद काजम के नाल शाहिद जुबैरी की रिपोर्ट। गुरजंट सिंह टटोगले और की मामला होया ये जो मामला होया जी 11-10-20 मैं अपनी बेटी वो गर्भवती सी मैं वो जच्चा बच्चा लई सरकारी हॉस्पिटल डॉक्टर शशि जिंदल को लेके आया सी। जो मैं बेटी लैके इत्थे आया तो उन्होंने अगे एक लेडीज खड़ी सी जिहड़ी अपने आप नूं आशा वर्कर दसदी सी और उन्होंने मैनू कहा कि तुहानूं डॉक्टर शशि जिंदल नूं मिलाउने आ भी बहुत वधिया जच्चा बच्चा डॉक्टर ने और शशि जिंदल कोल जदों असीं गए तो उन्हें अपने पति जो इत्थे ही आदर्श गोयल ने इत्थे ही नौकरी करदे ने भी उन्होंने सरकारी हस्पताल मलेरकोटला दोनों पति पत्नी इत्थे ड्यूटी करदे ने तो उन्होंने कहा भी जे तुहाडा खर्चा उरे वड्डा ऑपरेशन होगा तुहाडी बेटी का सरकारी हस्पताल च और 10,000 रुपया तुहाडा खर्चा होगा अगर तुसीं साडे निजी हस्पताल गुरमुख विच ऑपरेशन करवाउणा चाहुंदे हो तो तुहाडा जिहड़ा केस होगा नॉर्मल होगा कोई वड्डा जां छोटा ऑपरेशन नहीं होगा तुहाडा जिहड़ा खर्चा वो 10 तों 15,000 रुपया होगा। सो डॉक्टर ने मैनू मैं डॉक्टर के भरोसे करके भी मेरा जच्चा ते बच्चा मेरी बेटी ठीक रहे मैं उन्होंने निजी हस्पताल लई उन्होंने हाँ कर ली जिथे उन्होंने कहा भी तुहाडा 10 तों 15,000 रुपया खर्चा होगा जी। जो डॉक्टर के कहने मुताबिक मैं गुरमुख हस्पताल खोखर मार्केट नेड़े ट्रक यूनियन उत्थे लैके गया तो इन्होंने तकरीबन 4 बजे मेरी बेटी नूं दाखिल कर लिया 5,000 रुपया मैं फीस भरती जी। तो तकरीबन रात नूं 11:30 बजे डॉक्टर शशि जिंदल डॉक्टर आदर्श गोयल दोनों पति पत्नी आए और मेरी बेटी नूं 11:30 बजे ऑपरेशन थिएटर विच लै गए ऑपरेशन करन वास्ते तो 15-20 मिंटां बाद वापस आते हैं तो मैं अपने हस्पताल च बुला लेंदे ने और कहिंदे ने कि तुहाडा जिहड़ी बेटी का केस है नॉर्मल नहीं होगा हुण नॉर्मल नहीं होगा वड्डा केस होगा हुण तुहाडा जिहड़ा खर्चा वो 35 तों 40,000 रुपया होगा। सर मैं एक गरीब होने के नाते मैं एक दिहाड़ीदार बंदा मेहनत करदा और मैं उन्होंने कहा भी मैं रविदासी आजादी नाल संबंधित हाँ ठीक है कि नहीं भी ये तुसीं मेरे नाल धक्का करदे हो। मैनू डॉक्टर आदर्श गोयल ने इत्थों तक भी कहा भी जिहड़ा साडा 4 बजे तो लैके 11 बजे तक खर्चा आया वो साडा खर्चा दिओ और तुसीं अपनी बेटी नूं जिथे मर्जी लै जाओ। रात के 11:30 बजे हुए सी मैं डॉक्टर साहब के पैर फड़े भी मैं हुण बेटी नूं किते नहीं लिजा सकदा ना मेरे कोल कोई साधन है ना मेरे कोल पैसे का प्रबंध है। सो मेरे नाल दे मेरे घर वाली और एक मेरा साथी सी उन्होंने मैनूं कहा भी जिहड़े डॉक्टर हुंदे ने इह केस खराब कर दिंदे ने जे तूं डॉक्टर नाल लड़ पिया अपनी बेटी कोल बच्चा नहीं पैदा होना मुड़ के भी ये डॉक्टर खराब कर जांदे ने केस। सो मैं इस गल नूं लै के जच्चा बच्चा नूं सही सलामती लई उहनूं 35 तों 40,000 रुपया देण लई हाँ करती भी मेरे जच्चा ते बच्चा मेरी बेटी ते उह बच्चे नूं कुछ ना होवे। सो जदों ऑपरेशन करता तां उहनां दे बेटी पैदा हुई और मैं डॉक्टर साहब दीआं मिंतां तरले करके जिथे वह 35 तों 40 मंगदा सी मैं उन्हूं 30,000 रुपया दे के अपना खेड़ा सड़ाया। इस करके इस डॉक्टर ने मेरे नाल बड़ी नजायज़ की जिथे कि मैं भी एक जिम्मेवार बंदा सी मैं उन्होंने ये भी वास्ता पाया कि मैं रिपोर्टर हाँ पहरेदार तो मैं अखबार भी करदा और मैं जिला प्रधान हाँ फाउंडेशन डॉक्टर भीम राव अंबेदकर का। इस करके भी तुसीं मेरे नाल धक्का कर दिओ आम रिपब्लिक नाल तो धक्का कर दिओगे भी असीं भी समाज के लोगों नाल विचरदे हाँ भी इन्ना धक्का बहुत माड़ा है। मैं इस डॉक्टर नूं एक मैं डॉक्टर नहीं कहांगा एक मेरे लिए एक जलाद सिद्ध होया जिन्हें रात नूं मैनूं इह गल कही मेरी बेटी एक जच्चा ते बच्चा एक मौत नाल लड़ रहे सी वो कहण लग्गा इत्थों लै जाओ जे 35 तों 40,000 रुपया नहीं दिंदे। ये मेरा केस सी अज चंडीगढ़ तों टीम आई है और असीं उन्हां नूं अपने बयान दित्ते ने उन्होंने सानू पूर्ण भरोसा दिता है भी इन्हां ते पूरी कार्रवाई होगी। असीं सरकार तो मंग करते हैं भी इन्हां दोनों पति पत्नी ते जांच करके इन्हां नूं नौकरी तो डिसमिस किया जाए जिथे कि एक पासे तो सरकार तो
तनखाहां लैंदे ने, दूजे पासे प्राइवेट हस्पताल खोल के लोगों के गल वढ़दे ने और गरीबों नूं तंग करदे ने। इन्हां ते पूर्ण तौर पर कार्रवाई करके इन्हां नूं नौकरी तों डिसमिस किया जाए। चंडीगढ़ तों इन्वेस्टिगेशन टीम की मामला। एक्चुअली सानू भी मामले का पता नहीं, क्योंकि सानू कोई कंप्लेन बारे पता नहीं सीगा भी कंप्लेन की साड़ी हुई है कि नहीं हुई। अज सानू मतलब ये बुलाया सी इनकुआरी विच, वैसे मैं तो छुट्टी पर चल रहा है, चंचे छुट्टी पर, तो सानू अर्जेंट बुलाया सीगा, तो मैं इत्थे असीं आए इनकुआरी ते सानू मतलब अजे अज असीं कंप्लेन की कापी लिती हैगी बेसिकली, तो सानू कंप्लेन की कापी असीं पढ़ांगे, सानू पता लगेगा एग्जैक्टली है कि सुनने आया भी कि डॉक्टर समनजोत ने साडे अगेंस्ट कोई कंप्लेन की हैगी है। हाँ जी, तो बट असी इतने मैं कहना चाहूँगा तुहानू कि डॉक्टर चमनजोत दी ने पहला डॉक्टर शशि जिंदल जो कि मैं इतने मैं जनरल सर्जन है, इतने डॉक्टर चमनजोत भी जनरल सर्जन ने सिविल हस्पताल मलेरकोटला के, तो मेरी वाइफ डॉक्टर शशि जिंदल जो कि गायनेकोलॉजिस्ट ने मलेरकोटला के, तो डॉक्टर चमनजोत ने उन्होंने पहला बड़ी बार मिसबिहेव किया, जिसकी कंप्लेन असी वर्बल भी एस एम ओ सर दो तीन बार की सी, तो वर्बल कंप्लेन के एस एम ओ के सामने दो तीन बार माफ़ी भी मंगी। फिर असी 18/12/2020 डॉक्टर चमनजोत ने मेरी वाइफ जो कि गायनेकोलॉजिस्ट ने सिविल हस्पताल मलेरकोटला के, उन्होंने कोई एमरजेंसी सिजेरियन करना सी जो कि डॉक्टर चमनजोत ने उन्होंने करन नहीं दिता, बल्कि उल्टा उन्होंने मिसबिहेव करके उन्होंने ऑपरेशन थिएटर तो भजाता, जिहड़ा कि बाद चो डॉक्टर करणवीर ने किया वो सिजेरियन सैक्शन, तो वो कंप्लेन असी एस एम ओ दफ्तर में की 18/12/2020 जिहदी कि एस एम ओ सर साढ़े रिस्पैक्टेड एस एम ओ सर डॉक्टर जसविंदर सिंह ने वो इनकुआरी की, जिहदे विच कि चमनजोत का बिहेवियर उन्होंने पाया कि गलत सीगा मैडम दे प्रति, तो जिहदी अनुशासनी कार्रवाई लई उन्होंने अगे महकमे नूं भी लिख के भेजा होया कि डॉक्टर चमनजोत के अगेंस्ट जो बनती अनुशासनी कार्रवाई की जाए। ये कॉपी हैगी है जो सीगी, उहदे च लिखा साफ साफ कि अनुशासनी कार्रवाई की जाए। इस तो अलावा भी डॉक्टर चमनजोत का जिहड़ा वतीरा हैगा बाकी स्टाफों नाल, बाकी फीमेल स्टाफों नाल भी गलत है, जिहड़ी कि इहदी कापी है साडी कंप्लेन तो पहला भी इहदी कापी ऑलरेडी इनकुआरी डॉक्टर चमनजोत सिंह बड़िंग जिहड़े सर्जन ने इत्थे उन्होंने फीमेल दे नाल वतीरा सही नहीं हैगा, जिहदी कि कंप्लेन ऑलरेडी इन्होंने की हुई है, जिहड़ी कि सिविल सर्जन दफ्तर दे विच ऑलरेडी इनकुआरी चल रही है। इस तो अलावा डॉक्टर चमनजोत ने मेरिया भी कई झूठियां कंप्लेटा कि ता कि असी अपनी कंप्लेट वापस ले लीए, साढ़े प्रैशर बनाने वास्ते समय ने कई झूठिया कंप्लेटा पहले भी कीतिया ने, हूँ इस कंप्लेट बारे मैं पता नहीं की कंप्लेट की है, पता नहीं हूँ की कंप्लेट है, वो अभी पढ़ के दस पावे, पर मैं थोड़े तो पूछना चाहना है कि जे यहाँ वतीरा एक डॉक्टर बंदा एक फीमेल स्टाफ नाल करे कि वह जायज़ है कि अपनी धियां भैन अपनी या मेरी जो वाइफ है वह सेफ है इस माहौल के। मतलब थोड़ा ये लगता कि एक डॉक्टर ही डॉक्टर परेशान करने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने मेरी वाइफ को बहुत परेशान किया, जिस तो तंग आके आज मेरी वाइफ डॉक्टर शशि जिंदल सरकारी हस्पताल मलेरकोटला तो एक महीने नोटिस दे स्टैट रेजिग्नेशन दे रहे हैं, एक महीने की सैलरी जमा करा के। हाँ जी, वो कार्रवाई बिल्कुल हुई है, वो साढ़े एस एम ओ सर ने जो अपने लैवल से इनकुआरी की, तो उन्होंने इनकुआरी के लिख के भेजा है कि जिहड़ी भी बनती अनुशासनी कार्रवाई है वो महकमे लिख के भेजा भी की जाए, पर हजे तक कोई अनुशासनी कार्रवाई हुई नहीं। कंप्लेंट असी एस एस पी दफ्तर जिहड़े हैगे ने अपने संगरूर च भी की हुई है, तो वो भी इनकुआरी चल रही है डॉक्टर चमनजोत सिंह बड़िंग के अगेंस्ट, वो देखो असी तो अनुशा अपने साढ़े महकमे तो पुलिस महकमे तो सारा तो यही करते हैं, इंसाफ की गुहार करते हैं कि सानू इंसाफ मिलना चाहिए है, क्योंकि ताई धियां भैन सेफ फील करनगियां कि असी एक महकमे च जाके असी या कितने भी ऑफिस में जाके या डॉक्टर्स ने कोई भी या स्टाफ वो सेफ फील कर सके। ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਢੋਗਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਨੇ ਬੈਠ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬਾਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਚਮਨਜੋਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟੀਮ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਬੌਬੀ ਗਲਾਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
एक सरकारी डॉक्टर निजी हॉस्पिटल चला सकता जी? सर वो साढ़े पहले किसी ने नॉलेज नहीं लिया, वो उस तो इनकुआरी हो रही है, जो भी इनकुआरी के तत्व हो सामने आ जाएंगे। नहीं सर की चला सकता जी? उस नहीं गवर्नमेंट हस्पताल गवर्नमेंट डॉक्टर प्राइवेट हस्पताल नहीं चला सकता। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल पाया जाता तो की कर बिल्कुल जरूर फिर सख्त तो सख्त कार्रवाई होगी। अगर सर की नाम थोड़ा जी? हाँ जी मेरा नाम डॉक्टर चमनजोत सिंह है। अज सर सेहत विभाग की टीम आई है गुरजंट सिंह की मतलब की जी इनकुआरी है उसकी बेटी के ऑपरेशन के संबंध में जी संबंध में डॉक्टर जेडे जिंदल ने उन्होंने असी गलबात की उन्होंने कहा भी जी दरखास्त है जी गुलाटी है। मैं मैं एक हॉस्पिटल दे कोई किसी डॉक्टर के अगेंस्ट एक इनक्वायरी मार्क की गई है तो मैं वो इनक्वायरी कंडक्ट करने वास्ते आया। तो अज एक प्रीलिमिनरी सिंपल डॉक्टर्स दे असी बयान जड़े लेते हैं तो क्योंकि कई हजे पूरा उस बारे दस्या भी नहीं गया सीगा तो सिर्फ सिंपल असी बयान उन्होंने कलैक्ट किए तो उस तो बाद जिमें जिमें सारे बयान देंगे इनक्वायरी अगे चलेगी उस तो बाद किसी कंकलूजन ते पहुंचांगे उस बारे असी तां ही तुहानू पूरी तरह दस सकांगे। मामला आपस कोई दो डॉक्टर्स दी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग दा ही मामला है पर उहनू असी इलैबोरेट पूरी इनकुआरी होने के बाद ही कर सकांगे। सर एक टीम आई है थोड़े नाल तीन मेंबर टीम है? नहीं मैं अकेला मैनू ही मार्क हुई है एस 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 एम थोड़ा डेजिग्नेशन मेरा डेजिग्नेशन हैगा डॉक्टर बॉबी गुलाटी जॉइंट डायरेक्टर ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਰੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ ਕੰਪਲੇਂਟੈਂਟ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੈਠ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 30 to 40,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ? हाँ मैं कंप्लेनेंट्स जोड़े है उन्हों की गल बड़ी अच्छी तरह सुनी है उन्होंने बयान लिते है उन्होंने जो जो प्रूफ्स नाल लगाने चाहे सारे प्रूफ्स नाल लगाए है तो उन्होंने उन्होंने क्योंकि कंप्लेंट की जोड़ी कॉपी है वो मैं जोड़े डॉक्टर के अगेंस्ट कंप्लेंट हुई है उन्होंने दिती है ताकि वह भी अपना जवाब जोड़ा है मैं जल्दी तो जल्दी दे सकन। की सर हॉस्पिटल का दौरा कर रहे हों जी निजी हस्पताल का? जरूर पर मैं बिना वो जदों भी मैं करना चाहवांगा जिस हॉस्पिटल का भी उन्होंने नाम किया पहले मैं पूरी तरह जो भी कंप्लेंट्स है उन्होंने कोक के पड़ताल करके उत्थे असी जरूर प्लान करके सरप्राइज विजिट करांगे ते विच भी ओपीडी विच भी या बाकी जगह पर भी जिते भी सानू लगेगा असी सरप्राइज हो सकता डिकॉय पेशेंट्स भेज के उन्होंने इनवैसटीगेट करने की कोशिश करिए पर उस बारे मैं हजे तुहानू कुछ नहीं दस सकता कि अगे असी किवें प्लान करांगे। एक गल इत्थे पुछनी सी कि मामला तो जो है चलो इन्वेस्टिगेशन दे अंडर कर रहे हो हाँ जी लेकिन एक सच्चाई ये है कि जिहड़ी वो लड़की है उसके बच्ची पैदा हुई है उसका ऑपरेशन होया जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। हाँ जी अगर आप मन भी लईए एक मिनट के लिए कि उस प्राइवेट हॉस्पिटल च नहीं होया तो कितने ना कितने तो होया क्योंकि वो जिहड़ा ऑपरेशन है घर तो हो नहीं सकता तो मतलब साडा कहना यह है कि वह जरूर मतलब कितने ना कि क्योंकि यद रिकॉर्ड भी जाता है अगर सिविल हॉस्पिटल में ऑपरेशन नहीं होया उस पेशेंट का किसी प्राइवेट SMO मैं बिल्कुल सारी चीज़ में जाँच इनकी करा कि क्या वो हस्पताल पहले रजिस्टर होए जी ठीक है अगर अगर वो पेशेंट इतने रजिस्टर होया फिर उन्हें किवें रैफर किया गया कितने वो डिलीवरी हुई सारी चीज़ की मैं जाँच कराँगा पर वास्ते मैं टाइम चाहिए ठीक है। अज उन्होंने मैं जो इनफॉरमेशन दी है आई विल गो थ्रू इट तो उन्होंने प्रॉपरली फिर असी प्लान करके उसते असी एक्शन करा की सर सरकारी अधिकारी है डॉक्टर है प्राइवेट हॉस्पिटल बना के कर सकता इदा दा ट्रीटमेंट जी? हजे तो मैं ये नहीं इदा कोई सरकारी करता नहीं सकता काम पर हजे मैं ये भी नहीं कह सकता कि कोई कर रहा है या नहीं कर रहा है या किसी के नाँ ते है या कि नाँ ते है या कि हस्पताल की हजे तो उन्होंने मैं सिर्फ एक कंप्लेंट दी है उस कंप्लेंट बारे डिटेल्स मैं उन्होंने तो बयान लेते हैं तो प्रूफ लेते हैं
इन्हां नूं मैं चंगी तरह घोखांगा, जांच करांगा, तो उस तो बाद ही मैं किसी भी सिट्टे ते जो साडे उचित अधिकारी है जिन्होंने मैनूं मार किया है जिथे भी पहुँचेंगे मैं उस बारे तुहानूं जदों होएगा मौके ते जरूर फिर फोटो कर लो।